Is my voice clear, student? Okay. So children, yesterday we were discussing about the difference between plant tissue and animal tissue, okay? And in that we discuss about the two points of the differences. So what are those points? That is, the plant tissues are stationary, right? While animal tissues are locomotory. Means they have ability to move from one place to another, right? But plant tissues are organized in a such a fashion that they can fix to one place, and from there itself they can absorb the nutrients and the water from the soil. What was the second difference, children? That is, the plant tissue shows non-uniform and continuous growth, right? जैसे कि ये जो plant tissue होते हैं, this plant tissue can shows the growth throughout their life. Okay, this shows growth throughout their life. Even if we cut their one of the stem, from that cut part, the many new branches can develop. Okay, और दूसरा, ये जो प्लांट टिश्यू होते हैं, इनकी जो ग्रोथ है वो ऐसे डिफाइनाइट पैटर्न में नहीं है. इट इज नॉट इन डिफाइनाइट पैटर्न कि हाँ ऐसे ही ग्रो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. अब जैसे कि ये प्लांट का एक स्टेम है, ठीक है, कैसे भी ग्रो सकता है, यहाँ से कैसे भी ब्रांचेस फॉर्म हो सकते हैं, राइट? कितने भी सब ब्रांचेस ऐसे फॉर्म हो सकता है, बट एनिमल का वैसे नहीं है, ठीक है. एनिमल के जो ग्रोथ है वो कैसे है, दैट इज यूनिफॉर्म एंड डिफाइनाइट, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रोथ है. एक ऑर्गन जो है वो एक स्पेसिफिक शेप में ग्रो होगा, और बॉडी जो है आपकी, जो फिजिकल ग्रोथ है, ठीक है, एनिमल्स की, दैट इज नॉट थ्रू आउट द लाइफ एट अ पर्टिकुलर एज. The physical growth of the individual stops and the reproductive growth starts, right? तो उस particular age तक ही आपका जो physical growth है वो होता है, आपकी जो height है वो बढ़ती रहेगी. उसके बाद क्या हो जाता है, physical growth जो है वो stop हो जाती है. फिर आप बोलोगे कि मैम फिर अब weight कैसे बढ़ता है, बराबर? So वो जो है वो एक obesity है, मतलब जो हम खाते हैं, right? So अननेसेसरी अगर हम खाते रहते हैं कंटिन्यूसली, आदत होती है कुछ लोगों को बार बार खाने की, सो वो अननेसेसरी फैट्स जो है आपके बॉडी में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी आती है, जिसकी वजह से मोटापा आता है. सो वो इंक्रीज इन द साइज एंड इंक्रीज इन द वेट, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट जो हमारा नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर एज में क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, राइट? अब हम थोड़ा सा रीडिंग करेंगे जिससे हमको कुछ डिफरेंसेस और मिल सकते हैं. So look at the second half of the page, what is given there, everybody will read by themselves, okay? There are noticeable differences between the two, means plant tissue and animal tissue. And we have already discussed, the plants are stationary or fixed. It means they do not move, and most of the tissue they have are supportive, okay? मोस्ट ऑफ द टिश्यूज जो होते हैं प्लांट के वो कैसे है, दे आर सपोर्टिव, मतलब ये क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द प्लांट के जो पार्ट से उनको सपोर्ट देने का काम करेंगे. ओके, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट. ऑल राइट, सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज जो रहेंगे दे आर सपोर्टिव, मतलब वो क्या करेंगे, प्लांट के अदर बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट देने का काम करेंगे. जैसे कि हम आने वाले कुछ टॉपिक्स में पढ़ेंगे,
जैसे कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, देन स्क्लेरेन्काइमा है, ओके, ये सपोर्टिव टिश्यूज है विच प्रोवाइड देम विद द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्लांट जो होते हैं दे आर सपोर्टिव इन नेचर एंड दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू मोस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. सो इन सिंपल वर्ड व्हाट यू विल राइट, द प्लांट टिश्यूज आर स्टेशनरी और यू कैन राइट फिक्स्ड एंड मोस्ट ऑफ देम आर सपोर्टिव. वेल व्हाट यू विल राइट इन एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यूज आर लोकोमोटरी. Okay, and due to this, the animals can perform locomotion. They can move here and there in search of food, okay, in search of mate, in search of shelter. ठीक है, animal के basically ये three needs हैं. कौन से? Food है, right? What is second? Mate, मतलब partner के लिए, right? And next is shelter. ठीक है, सो ये तीन चीजों के लिए बेसिकली एनिमल्स क्या करते हैं, दे परफॉर्म्स लोकोमोशन. लोकोमोशन क्या, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस दैट वी हैव ऑलरेडी डन. कम टू द थर्ड पैराग्राफ. अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट टिश्यू इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ. दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस स्टूडेंट इन प्रीवियस लेक्चर. The growth in a plant is limited to certain regions. Okay, this is the new point for you. So, plant tissue jo hote hai na student, they have at a specific regions only they have the growing tissue. Aisa nahi hota hai ki plant ke sare parts jo hai wo growing hai. Fir bhi aapko plant all sides se grow hote hue dikhta hai, right? But plant body mein स्पेसिफिक रीजन्स में ही क्या है, ग्रोइंग टिश्यूज है. सो वो मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ पर होते हैं. कम ऑन द नेक्स्ट पेज ऑफ योर एनसीईआरटी स्टूडेंट और यू कैन लुक हियर एट द स्क्रीन. ये एक ओवरऑल व्यू बताया है कि प्लांट बॉडी में कहाँ कहाँ पर ग्रोइंग टिश्यूज है. हाँ बोल लो. मैम आपके आवाज किसको नहीं क्लियर आ रही है? अदर स्टूडेंट जस्ट चेक माय वॉइस, इज इट क्लियर फॉर यू? वैभवी, अर्णव, मधुर, फॉर अदर स्टूडेंट इट इज क्लियर. सो यू जस्ट चेक योर नेटवर्क, राइट. सो स्टूडेंट हियर इज the overview which shows that where the growing tissues are located in the plant body. Okay, where the growing tissues are located. So look at the tip of the shoot, children. Basically you have the plant structure like this, okay, like this. You have the plant, many branches are there, right, leaves, okay. So shoot jo hota hai, theek hai, matlab plant ka टॉप वाला पार्ट, एकदम टॉपेस्ट वाला पार्ट, एपिक्स वाला पार्ट हम बोल सकते हैं. सो प्लांट के स्टेम का ऐसा जो टॉप वाला पार्ट होता है, तो उसके बिल्कुल ऐसे टिप पर, ये वाले रीजन पर होते हैं ग्रोइंग सेल्स स्टूडेंट. ओके, क्या होते हैं? ग्रोइंग सेल्स. एंड दिस ग्रोइंग सेल्स आर नोन एज मेरिस्टमैटिक सेल्स. Okay, what they are called? Meristematic. Children, this we are going to discuss in detail. Right now, what you have to remember just that all plant body do not have the growing cells. They are located in a specific region only. एक ऐसे specific जगह पे ही plant body में क्या होते हैं? Growing cells होते हैं. जैसे कि एक मैंने आपको बताया shoot के बिल्कुल tip वाला part. सेकेंड दैट इज कॉल्ड इंटरकैल्परी मेरिस्टेम. ओके, मतलब कहां पर एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं कि जो इंटर नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स, स्टेम जो होता है ना, तो स्टेम बेसिकली समझो ऐसा है, राइट. तो उसके से इंटर नोड्स होते हैं, तो ये इंटर नोड वाले जगह पर ये ग्रोइंग सेल्स होते हैं और उस पार्ट को क्या बोलते हैं? इंटरकैल्परी मेरिस्टेम. और इन सिंपल वर्ड यू कैन से
एट द बेस ऑफ लीफ, जैसे कि ये स्टेम है तो यहाँ पर इसे लीफ होगा, राइट? सो एट द बेस ऑफ द लीफ हियर, ओके हियर एट द बेस ऑफ द लीफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज लोकेटेड. और थर्ड रीजन जो होता है दैट इज कॉल्ड लैटरल मेरिस्टेम. ओके लैटरल मेरिस्टेम ये कहां पर होता है? ध्यान दो सारे बच्चे अच्छे से समझो, ये स्टेम है. ओके इफ वी कट दिस स्टेम हॉरिजॉन्टली, ऐसे हमने कट कर दिया उसको, एक कट दे दिया, राइट? अब ये वाला जो पार्ट होगा, ओके लुक एट दैट पार्ट, स्फेरिकल पार्ट. सो नाउ हियर वी हैव द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेम, ऊपर से देख रहे कट किए हुए स्टेम को. सो उसका बीच वाला ऐसा एक सर्कुलर पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैम्बियम. क्या बोलते हैं? कैम्बियम. तो कैम्बियम रीजन में होते हैं ये लैटरल मेरिस्टेम. इससे क्या होता है? इससे स्टेम का गिर्थ इंक्रीज होने में हेल्प होती है. गिर्थ, गिर्थ का मतलब क्या होता है? डायमीटर. स्टेम का डायमीटर इंक्रीज होने में हेल्प. तो ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं इन डिटेल, एवरीथिंग इन डिटेल. अभी क्या याद रखना है कि इन अ प्लांट बॉडी द ग्रोइंग सेल्स आर प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक रीजन ओनली. ओके अगेन कम टू द प्रीवियस पेज स्टूडेंट. ओके सो द डिफरेंस यू विल राइट व्हाट दैट द प्लांट, इन अ प्लांट बॉडी द ग्रोथ इज limited to certain regions. जैसे तीन regions हमने discuss किए, at the tip of the shoot, at the base of the leaves, and in the cambium. From these three regions only the plant grows. But student, ऐसे animal में होता है क्या कि एक specific region से ही growth होती है? नहीं. Each and every cell of our body is growing, is dividing. हर जगह से, हर हर एक सेल में एबिलिटी है एनिमल्स के बॉडी में डिवाइड होने की, राइट? सो ईच एंड एवरी सेल ऑफ अवर बॉडी डिवाइड्स, हैव एबिलिटी टू डिवाइड, बट ऐसा प्लांट में नहीं है. मोस्ट ऑफ द टिश्यूज के सेल्स जो होते हैं प्लांट में, दे आर नॉन डिवाइडिंग, वो डिवाइड नहीं होते हैं, दे आर परमानेंट. ये बहुत मतलब एक मिरेकल है, ठीक है, एक मैजिक है. ऐसा कैसे? और फिर भी इतने सालों तक, years to years, ये सेल वैसे के वैसे रहते हैं, लिविंग रहते हैं विदाउट ग्रोइंग. सो ये बहुत अच्छा एक डिफरेंट मैजिक है प्लांट्स के अंदर, बट एनिमल का वैसा नहीं. एनिमल के एक स्पेसिफिक सेल का स्पेसिफिक लाइफ स्पैन है, और उसके बाद वो सेल डिसअपीयर हो जाता है और ओल्ड सेल से न्यू सेल्स बनते ही रहते हैं. सो एनिमल की बॉडी में जो ग्रोथ है वो ऐसे सर्टन लिमिट्स तक, सर्टन रीजन तक लिमिटेड नहीं है एनिमल्स में, बट प्लांट में है. सो चिल्ड्रन नोट डाउन थर्ड डिफरेंस इन योर नोटबुक. फर्स्ट टू वी हैव ऑलरेडी डन, नोट डाउन थर्ड डिफरेंस. द ग्रोथ इन अ प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टन रीजन. नोट दिस स्टेटमेंट. ओके द ग्रोथ इन अ प्लांट इज लिमिटेड to certain regions. और animals में क्या note करोगे student? The growth in an animal is not limited to certain regions. This you have to write word not there. Not limited to certain region. Okay? Next point. Look at the next sentence carefully student. There are some tissues in a plant that divides throughout their life. जैसे मैंने बताया था कि meristematic tissues तीन अलग अलग regions में बताए थे. They keep on dividing throughout the life of the plant. जब तक वो plant का life है तब तक ये tissues divide होते ही रहते. Okay? आगे पढ़ते हैं. These tissues are
localized to certain regions. और ये growing tissue plant में certain regions में ही होते जो already मैंने आपसे discuss किए, based on the dividing capacity of the tissue. Various plant tissue can be classified as growing and meristematic tissue. जैसे मैंने बताया कि plant में divide होने की ability है या नहीं है. On that basis, they further classified into dividing and non-dividing. बराबर? So, ध्यान दो सारे बच्चे, अच्छे से समझो ये plant है, okay? Right? इसके बहुत सारे branches है. अब ये प्लांट का जो ग्रोथ है, ठीक है, ये सर्टन रीजन से ही है. जैसे कि शूट के टिप्स मैंने आपको बताया, राइट, शूट का टिप बताया, देन बेस ऑफ द लीफ मैंने बताया और लैटरल मेरिस्टेम बताया. बराबर? ये तीन अलग अलग रीजन से ये प्लांट ग्रो होगी. मतलब मोस्ट ऑफ द टिश्यूज जो है, मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर वॉट नॉन डिवाइडिंग. कैसे है? नॉन डिवाइडिंग है स्टूडेंट प्लांट बॉडी में. एंड दैट इज द रीजन, लुक एट दिस वर्ड, देर इज डीमार्केशन. लुक एट दिस वर्ड, क्या है डीमार्केशन? मतलब क्या है? ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है प्लांट बॉडी में. डिवाइडिंग रीजन अलग, नॉन डिवाइडिंग रीजन अलग. जो तीन रीजन मैंने आपको बताए वो डिवाइडिंग रीजन है. उनको छोड़ के the remaining parts of the plant body have non-dividing tissues. So note down next difference in your notebook, student. Plant, in a plant body, note down, in a plant body, there is demarcation. Here is the word. There is demarcation of dividing and non-dividing tissues. Dividing and non-dividing tissues. Plant body में क्या है? Demarcation है. कई कई जगह पे dividing tissue है, कई कई जगह पे permanent tissue है. Now note down in animal tissue, children. In animal body, There is no such a demarcation. सिर्फ no word add करना है. There is no demarcation of. There is no demarcation of dividing and non-dividing tissues. Okay, there is no demarcation of dividing and non-dividing tissue. Children, just assume your body. In your body, is there any region which have the non-dividing cells, non-dividing tissue? No. Each and every cells of our body is dividing. Even our bone cells also, they are dividing. And non-dividing tissue. Right? Now, let's read the next paragraph, children. The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in a complex animals. Right? Animals ka kaisa hai? Organization and the structure of the tissue is more complex. Okay, so you can write there. The animal tissue's organization is more complex and animal tissue consumes more energy. Note down this point, children. Animal tissue's organization is more complex. Is more complex and more specialized.
एंड मोर स्पेशलाइज्ड एंड दिस टिश्यू कंज्यूम्स मोर एनर्जी एंड दिस टिश्यू कंज्यूम्स मोर एनर्जी While note down in plant tissue now, children, in front of the plant tissue, just in front of the same point as you have written in the animal, note down there. In our plants, the organization of the tissue, the organization localized is more localized मतलब स्पेसिफिक रीजन्स पे ही स्पेसिफिक टाइप के सेल्स वहां पर होंगे राइट एंड दिस टिश्यू कंज्यूम्स एंड टिश्यू एनर्जी दिस टिश्यू कंज्यूम्स लेस प्लांट्स में कौन से एक्टिविटीज होते हैं देखो मतलब न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट है locomotory. They can move from one place to another. Even the process of reproduction is carried out by that organism itself, okay, and we can say the mother animal carries that particular fetus in her body for a particular period of time, right? So that all the processes that related to reproduction that consumes lots of energy, okay? So energy consumption by animal tissue is more, okay? ATP consumption by animal tissues is more, while ATP consumption by plant tissue is very less. So this is the explanation of the last point that you have written. Now children, note down examples of the plant tissue. First example in plant tissue, meristematic tissue. ओके अभी मेरिस्टमैटिक टिश्यूज क्या है दे आर डिवाइडिंग टिश्यू ऐसे आप नोट कर लो ब्रैकेट में दे आर डिवाइडिंग टिश्यू ये एक टाइप हो गया प्लांट में ओके एंड सेकेंड टाइप परमानेंट टिश्यू कैसे होंगे स्टूडेंट non-dividing who is unmute there okay so two types of tissues are there in the plant body meristematic tissues and permanent tissue children whatever doubts you have I will give you time to ask your doubt now you just note down your doubts in your notebook okay And what are the types of animal tissues are there? Animal tissues are of various types, such as, note down, epithelial, okay? Nervous tissue, muscular tissue, okay? connective tissue and many more are there in this all types okay so just note down this four more types we will discuss in the coming topic so connective tissues are there epithelial are there nervous tissues are there muscular tissues are there right such a various types of tissues are there in animal So children, can you please tell me that how many differences we have written? Total? Six differences, okay. So they are enough for the 5 marks question.
if the 5-mark question will be there in your examination, that is how plant are different. So ma'am, now your voice is going to be key. Ma'am, your voice is not audible. Yes, ma'am. Then children, check my voice now. Just check it now. Is it clear now, student? Okay. So, student, we discuss about the 6 point of differences in between the plant tissue and the animal tissue. Okay. So, agar 5 marks ke liye question aapko agar aata hai, तो आपको ये 6 डिफरेंसेस वहां पर नोट करने हैं, ठीक है? सो लर्न दिस 6 डिफरेंसेस वेरी केयरफुली विद एन एग्जांपल. इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस 6 डिफरेंसेस दैट वी हैव रिटन टुडे, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज, राइट? ओके. सो चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक. आई वॉन्ट यू टू राइट अ बिग हेडिंग इन योर नोटबुक. That is meristematic tissues. Okay, so before this, we will just draw a flow chart of the plant tissue, and then we will go for the plant tissues in detail. So I'm sharing a whiteboard with you. You will also draw the same flow chart. Is the screen, is the whiteboard visible to you, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Ma'am. So, children, just draw yes, it fast along with me. Yes, ma'am. Note down heading. Yes, ma'am. Plant tissue. Okay. Note down fast, children. Plant tissue. So, basically, plant tissue are of 2 types. Meristematic. Meristematic and permanent. Okay, meristematic and permanent. Now, this meristematic tissues are of 3 types. First is apical meristem. Second, intercalary. Ma'am, please rotate screen. Wait. Yes, these are the 2 types of the plant tissue, the meristematic and permanent. Okay. Now, this meristematic are of 3 types, children. So, I'm writing it on the top. I'm rubbing the screen. You first note down plant tissues are of 2 types, meristematic and permanent. And from meristematic, draw 3 arrows.
From here, draw three arrows and note down. First is apical. In bracket, note down at tip of the shoot. At tip of shoot. Okay, at the tip of the shoot. In bracket, note down, children. Second is intercalary. Intercalary. Just below the intercalary word, in a bracket, note down. At the base of the leaf. At the base of the leaf. Right? And from third arrow, children, note down. Lateral meristem. Okay? Lateral. It's a lateral meristem. And where it is located? Just below the lateral meristem in a bracket, note down. In a cambium. Here is the spelling of cambium. Cambium. Right? Okay. Now let's go to the second type. Permanent. Permanent. Permanent tissue. In bracket, children, note down. Non-dividing. Non-dividing. Okay. And where you have written, children, meristematic tissues, there, note down in bracket, dividing. Meristematic are dividing, while permanent are non-dividing. Okay. Now, from permanent, draw two arrows. Simple and complex. Okay, simple and complex. Let me see how much time is remaining, student. Okay, children, last 2 minutes. So just note down fast. From simple, draw three arrows. From simple, draw three arrows. Parenchyma. Okay, the first is parenchyma. Second, कोलेनकाइमा. पैरेनकाइमा के भी आगे टू डिविजन से दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन. सेकेंड इज कोलेनकाइमा एंड द थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा. ओके, इट्स अ स्क्लेरेनकाइमा. पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. एंड इन कॉम्प्लेक्स, चिल्ड्रन नोट डाउन. In a complex, there are two types, xylem and phloem. Okay, xylem and phloem. So these all types we are going to discuss. I hope you have completed the okay, the whole flowchart. I will show you tomorrow, children, so that flowchart once again we will discuss, student, tomorrow. All right. So if you have any doubt with respect to this topic, you can ask me. No, ma'am. Okay, this flowchart, children, we will discuss once again in detail, because I know due to network problem today we have not completed it properly. But okay, that we have written it tomorrow, okay, in detail.
Any doubt, children? लैटरल के नीचे, लैटरल ही नहीं है वो, लैटरल है. लैटरल के नीचे क्या लिखना है ब्रैकेट में? कैम्बियम. ओके, ये स्पेलिंग, कैम्बियम लिखना है लैटरल के नीचे, है ना, ब्रैकेट. ओके, लैटरल मेरिस्टेम. टुमारो आई विल शो द होल फ्लो चार्ट ऑन द स्क्रीन. ओके, वंस अगेन, एंड वी विल डिस्कस इट इन डिटेल वंस अगेन टुमारो. ओके चिल्ड्रन. Due to the raining, we all have network problem today, I think. My voice was breaking continuously. Your voice is breaking, beta Kaushal. Unmute yourself and ask your doubt. Dhanada, now you can stop recording, beta.